I'm Dr. Maqbool, cardiologist, Narayana Multispeciality Hospital, Ahmedabad. मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. हमारे डिपार्टमेंट जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम हर तरह का प्रोसीजर यहाँ पे होता है. कॉर्नरी इंटरवेंशन जिसमें आता है, और नॉन कॉर्नरी, और लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क प्रोसीजर, हर तरह का यहाँ पे इक्विपमेंट. और हमारे पास हाई एंड कैथ लैब्स हैं. और यहाँ पे हम मैं आज आपको जो हमारी हार्ट की नड़ियों का ब्लॉकेड होता है, उसकी एक स्पेशल ट्रीटमेंट आता है, उसको हम रोटा एब्लेशन या रोटेशनल एथरेक्टमी बोलते हैं. तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत इसमें टेक्निकली डिमांडिंग है इसमें, और हाई थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें एक डायमंड जो ड्रिल बर होता है, डायमंड स्टडेड ड्रिल होता है, उसमें कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर रोटेट करना होता है एट हाई स्पीड. तो इसमें क्या फ़ायदा ये है कि जो कैल्शियम वाले, जिसमें जो हार्ड लीजन्स होते हैं, ब्लॉक्स जो बहुत सख्त होते हैं कैल्शियम की वजह से, तो उनमें अगर हम बैलून से उनको फुलाएं और डायलेट करें, वो होते नहीं हैं. और उसमें अगर हम स्टेंट डाल दें तो रिज़ल्ट जो होता है वो अच्छा नहीं आता, और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को दोबारा ब्लॉक आने का चांस बहुत हाई रहता है. तो रोटेशनल एथरेक्टमी जो हम रूटीनली यहाँ पे मैं करता हूँ, ये हाईली टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है, और इसमें हम हाई स्पीड पे जो डायमंड बार अंदर नड़ियों में, उसको रोटेशन हाई रोटेशन पे प्रोसीजर होता है, और उससे कैल्शियम टूट जाता है, और कैल्शियम टूटने के बाद बैलून से हम उसको इजीली जो नड़ी होती है वो फूल जाती है, और उसके बाद हम उसमें स्टेंट अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि आगे का जो ट्रीटमेंट है लॉन्ग टर्म, स्टेंट में दोबारा ब्लॉक आने का चांस बहुत कम हो जाता है. और इस मॉडलिटी से, इस ट्रीटमेंट से बाईपास सर्जरी करने का, जो कैल्सिफाइड आर्टरीज होती हैं उनमें हम यूजुअली बाईपास कराते हैं, लेकिन अगर रोटेशनल एथरेक्टमी और रोटा एब्लेशन करें तो बाईपास करने की आवश्यकता भी कम हो जाती है. और बाईपास सर्जरी से जो काफ़ी एज्ड लोग होते हैं, 70-80 साल की उम्र के, वो जिनमें सर्जरी में बहुत हाई रिस्क होता है, बट उनकी जो नड़ी है उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो उसके लिए हम रोटा एब्लेशन जो है, रोटेशनल एथरेक्टमी यूज़ कर सकते हैं, जो एक सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी की तरह होती है. तो जो कैंडिडेट्स, जो लोगों में बाईपास सर्जरी नहीं हो पाती है, उनमें हम ये मॉडलिटी जो है आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है.